ओके तो माय डियर स्टूडेंट, आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की। तो अब जो चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं वो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। ओके, जो फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स पढ़ने वाले हैं, जिनकी डेफिनेशन गलत है वो प्रॉपर ठीक कीजिए। नेचर की डेफिनेशन बिल्कुल अच्छी है, प्रॉपर। न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, बिल्कुल बेटा, इंग्लिश का थोड़ा ठीक कीजिए और आपकी इंग्लिश भी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। चलो मैं यहाँ पर आपकी डेफिनेशन फिर से लिखता हूँ, थोड़ा सा आप देख लीजिए कि क्या डेफिनेशन थी। तो देखो, फ्रैक्शन जो चैप्टर हम ऑलरेडी हमारी सिक्स क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आपको उनके डेफिनेशन आनी चाहिए। तो जो फ्रैक्शन चैप्टर है उसमें जो फर्स्ट डेफिनेशन आती है वो आती है न्यूमरेटर की। कौन सी आती है? न्यूमरेटर की। न्यूमरेटर क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है हमारा, जो न्यूमिनेटर होता है वो क्या होता है, देखो मैं एनियम लिखा है। इसमें जो होता है अंश, जो ऊपर वाला होता है उसको न्यूमिनेटर बोलते हैं। डिनोमिनेटर क्या होता है, जो नीचे वाला होता है एक फ्रैक्शन के अंदर, उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब इस पे दो फ्रैक्शन बनते हैं, एक तो बनता है प्रॉपर, एक बनता है इम्प्रॉपर। ऑलरेडी मैं सिक्स क्लास में ये पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमिनेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा होता है प्रॉपर में। तो इम्प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इस तरह की डेफिनेशन होती है। प्रॉपर में क्या होता है कि जो न्यूमरेटर होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। जैसे 1/2 आपने स्क्रीन शेयरिंग की है? नहीं ना, एक मिनट, स्क्रीन शेयर शुरू करते हैं। ओके, इसीलिए आपको दिख नहीं रहा क्या? ओके, वेट करो, मैं आपकी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके, मैंने डेफिनेशन लिख दी, आप लोगों को दिखाई नहीं। ओके गुड, तो चलो स्क्रीन शेयर कर दिया मैंने, अब दिख रहा है? यस सर। चलो अब दिख रहा है, तो फिर से। नो सर, नहीं दिख रहा है। बेटा एक बार मेरा जो स्क्रीन शेयर उस पे क्लिक करो, मैंने देखो सर दिख रहा है। हाँ, सर दिख रहा है, दिख जाएगा। स्क्रीन शेयर जो किया उस पे क्लिक करो, आपको दिख जाएगा। सर मुझे नहीं दिख रहा है। अरे आपने एक मिस्टेक किया होगा मोबाइल में, आपने आपकी फोटो पे क्लिक किया होगा, पिन करके रखा होगा। जिसको नहीं दिख रहा है वो वहां पर जाइए जहां पर स्ट्रेंथ है इस तरह से, और स्मार्ट पैशन एजुकेशन में जो यू है, प्रेजेंटेशन है, वहां पर जाके क्लिक कर दो और उसको पिन कर दो, दिख जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम बात कर रहे हैं फिर से। तो देखो फ्रैक्शन, मैं फिर से पूरी बात बोलता हूँ। फ्रैक्शन जो है हमने सिक्स क्लास में अच्छे से पढ़ लिया, वहाँ पर हमने दो चीज़ें पढ़ी थी कि फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। इन दोनों की कंडीशन के आधार पे दो तरह के होते हैं ये, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये दो तरह के फ्रैक्शन होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो प्रॉपर फ्रैक्शन फ्रैक्शन होता है वो आप बताओगे ना, रुको अभी, वो आप बताओगे। अभी मैं प्रॉपर इम्प्रॉपर बताता हूँ, एक प्रॉपर होता है एक इम्प्रॉपर होता है। उसमें क्या होता है कि जो न्यूमिनेटर स्मॉलर देन होता है डिनोमिनेटर से, यानी डिनोमिनेटर बड़ा होता है। और इम्प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी जैसे 1/2 है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, 3/2 है तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब जो बोला था कि सर एक और फ्रैक्शन होता है वो बताएगा, वो कौन सा होता है जल्दी मिक्स फ्रैक्शन। इसके अलावा और कोई होता है बताइए? अरे और होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा था हमने, अरे पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी होते हैं। इसके अलावा और कोई बताएगा? नहीं सर, इतने ही पढ़े थे। हाँ इतने ही पढ़े थे, प्रॉपर पढ़े थे, इम्प्रॉपर पढ़े थे, मिक्स फ्रैक्शन पढ़े थे। तो आप बताइए मिक्स फ्रैक्शन किसके साथ चेंज होता है, प्रॉपर के साथ या इम्प्रॉपर के साथ, कोई बताएगा? वेरी गुड, जो मिक्स फ्रैक्शन है वो हमेशा जो चेंज होगा वो किसके साथ चेंज होता है, इम्प्रॉपर के साथ चेंज होता है। यानी मिक्स फ्रैक्शन को कैसा फ्रैक्शन बना सकते हैं हम, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना सकते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसा फ्रैक्शन बना सकते हैं हम, मिक्स फ्रैक्शन बना सकते, अरे मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं। इम्प्रॉपर से प्रॉपर नहीं बनता है बेटा, इम्प्रॉपर से प्रॉपर नहीं बनता है, इम्प्रॉपर से मिक्स बनता है और मिक्स से इम्प्रॉपर बनता है। तो ये सब चीजें अगर आपको याद है ना, अगर ये रिमेम्बर है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है, क्योंकि बस इस चैप्टर में ये सभी पढ़ने वाले हैं हम कि भाई प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये सब पढ़ने वाले। अब आते हैं हम डेसिमल पे, ये भी आपको पता है ना, डेसिमल्स नंबर्स पता है ना? Yes, sir. बताइए डेसिमल्स नंबर मैंने लिखा 1.2, मैं
इसको फ्रैक्शन में बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता, पहले ये बताइए मुझे। 1.2 को मैं फ्रैक्शन में बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता? बना सकते हैं। क्या करेंगे? पॉइंट के बाद के जीरो ऐसे थोड़ी डाल देंगे, पॉइंट के बाद के डिजिट काउंट करेंगे, याद है ना? जिसका माइक अनम्यूट है बच्चे की आवाज आ रही है। हाँ देखो, जो छोटे बच्चे की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, देखो आप छोटे बच्चे को भी रख रहे हो और पढ़ाई भी कर रहे हो, और जिनके पास छोटे बच्चे हैं ना उनके छोटे भाई बहन, हाँ उनको थोड़ा दूर कर दो फिर पढ़ते हम। तो जैसे डेसिमल्स की बात कर रहे थे, जैसे 2.32, तो आप देखो पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करो 1 2, तो इतना कितना जीरो लगाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे 1 के साथ, याद है कि नहीं है? इस तरह से ये कैसा फ्रैक्शन बन गया, बताइए कैसा फ्रैक्शन बन गया? अरे ये कैसा फ्रैक्शन है? 2 3 इंप्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ, यहाँ पर न्यूमरेटर ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से, तो ये कैसा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर। तो इसको कैसा फ्रैक्शन बना सकते हैं? हम मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बना सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आप यहाँ देखोगे, क्या बात है सर, वही मिल गया। चलो पहले हम देखेंगे यहाँ पर वही प्रॉपर फ्रैक्शन हमने पढ़ लिया। सर प्रॉपर फ्रैक्शन में ना न्यूमरेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ना न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, एक कोई आ रहा है इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ओके। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। सर मिक्स फ्रैक्शन, ये कैसे फ्रैक्शन होते हैं? देखो मिक्स फ्रैक्शन जो होते हैं इनमें एक नंबर इस तरह से आगे रहता है और एक इस तरह से प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है, यानी इसके अंदर इस तरह का सिस्टम रहता है, तो ये होते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो सर मिक्स फ्रैक्शन के साथ क्या करते हैं हम, इनको हम बना सकते हैं इम्प्रॉपर। सर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी दिख गए हमको, बिल्कुल। अब बताओ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते थे, किसी को पता है? कोई बता सकता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन yes, क्या होता है? चलो बताइए। यस सर, जिसने बोला वो बताएगा। सर वो जिनकी वैल्यू सेम होती है। किसकी वैल्यू सेम होती है? दो फ्रैक्शंस की वैल्यू सेम होती है? नहीं, वैल्यू सेम नहीं होती है। देखो और अगर वैल्यू सेम होगी तो वो होल नंबर बन जाएगा ना। देखो अब आपको मैं समझाता हूँ वैल्यू कैसे। देखो ये कोई 3/5 है, आपको ही बोलेगा, आपको ये बोलता है कि ये जो एक फ्रैक्शन है इसके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढिए। अब आप बोलोगे सर सर इसके 5 तो वैल्यू सेम, मतलब 3/5 ये थोड़ी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये तो सेम है। आपने जो बोला मैंने वो लिखा है, आपने क्या बोला था? सर वैल्यू सेम होनी चाहिए। अरे मैं फिर बोल रहा हूँ, आप बीच बीच में ऐसा मत करो ना, मैं सबको अनम्यूट कर दूंगा परमानेंट। फिर आप बोलोगे सर हम तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, अच्छे बच्चे ना अच्छे से पढ़ाई करते हैं, बीच में ऐसा डिस्टर्बेंस करोगे तो फिर देखो आपको मैं सबको अनम्यूट कर दूंगा, फिर आप बोल नहीं पाओगे, और विदाउट अगर आप नहीं बोल पाओगे तो क्लास अच्छी नहीं हो पाएगी। और क्लास को अच्छी बनाने के लिए आपको ऐसे अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान देना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप छोटे बच्चे हो, शैतानी करते हो, लेकिन पढ़ते वक्त सिर्फ पढ़ाई करना है, शैतानी बाद में करना है, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। तो देखो ये 3/5 है, तो 3/5 का मुझे बनाना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो हम क्या करते हैं, सेम नंबर से, याद रखना कौन से नंबर से, सेम नंबर से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीपल कर देते हैं, तो उसका बन जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे 3 2 6, 5 2 10, तो ये 3/5 का हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे ही हम इसको रिड्यूस करेंगे तो वापस ये 3/5 ही बन जाएगा, बट इनकी वैल्यू सेम नहीं रहती है, वैल्यू आगे रहती है। देखो 3 2 6, 5 2 10, आगे 3 3 9, 5 3 15। सर 3 3 9, 5 3 15 कैसे किया? मैंने वही किया, अब पहले 2 2 से मल्टीपल किया, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 3 से मल्टीपल कर दिया, 3 3 9, 5 3 15। मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोगों के पास? मेरी वॉइस क्लियर है? तो 3/5 है, अब हम इसको 4 4 से मल्टीपल कर देंगे, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, तो 3 4 12, 5 4 20। इस तरह से देखो कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गए, 3/5, 6/10, 9/15, 12/20। लेकिन वो कितना पूछ रहा है, 5 पूछ रहा है, तो 5 बना लेंगे, 3 को 5 से मल्टीपल कर देंगे, 5 को 5 से मल्टीपल कर देंगे, 3 5 15, 5 5 25। तो कितने हो गए, ये 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपके बन गए। अब ये सब क्यों आया, क्योंकि ये सब हमने पिछली क्लासेज में पढ़ लिया, इसलिए आपको ये बहुत ईजिली पता है। आप सबको एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा, एक मिनट ना मैं इस एग्जाम्पल को वो कर देता हूँ।
एक मिनट, आप सभी आंख बंद कर लो ईमानदारी से, सभी ने आंख बंद कर ली ना, गुड बच्चे। इसको मैंने मिटा दिया है, ओके देखो आपने मिटा, आपके लिए क्वेश्चन इसलिए मिटा दिया है, और इसको थोड़ा सा हटा दे, ओ पूरा ही मिट गया। एक मिनट फिर आंख बंद करो, जल्दी से आंख बंद करो, ओके 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 ओके, ये मिटा दिया है मैंने, ओके हाँ चलो आप खोल सकते हो। आप खोल लिया कि बंद है अभी भी? अरे सभी को क्वेश्चन नंबर, अब आपको एग्जांपल नंबर टू दिख रहा होगा ना, देखो इसमें क्या लिखा है, रमेश सोल टू अपॉन सेवन पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज वाइल, जबकि सीमा सोल फोर अपॉन फाइव ऑफ इट, हु सोल लेजर पार्ट। लेजर का मतलब पता है ना, लेजर का मतलब क्या होता है बताओ, कम, कम किया, तो बताइए किसने कम किया है, टू अपॉन सेवन वाले ने या फोर अपॉन फाइव? देखो टू अपॉन सेवन फोर अपॉन फाइव, सर ये कैसे पता लग गया आपको, आपने नीचे पढ़ लिया रमेश सर, आपने हाँ मैं वही बोल रहा, नीचे पढ़ लिया फटाक से रमेश, लेकिन पता कैसे किया वो बताना है। देखो हमने इसको क्या किया, हाँ या तो हम इसको सर, मैंने बेस सेम कर दिया, हाँ बेस सेम करना है, क्या सेम करना है आपको, बेस को सेम करना है। सर ऐसे कैसे बेस सेम हो सकता है, अरे हो सकता है, सेवन फाइव जो 35 होते हैं, फाइव सेवन जो 35 होते हैं। अब जिन बच्चों को ये सब नहीं आता ना, वो क्या करो, इन दोनों के डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीपल कर लो, फाइव को इसके साथ मल्टीपल कर लो और सेवन को इसके साथ मल्टीपल कर लो, ऐसे ठीक है, सेवन को इसके साथ मल्टीपल कर लो, टू फाइव जा टेन, सेवन फाइव जा 35, फोर सेवन जा 28, सेवन फाइव जा 35। अरे वाह ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है, मतलब कौन सा वाला बड़ा है, सीमा वाला बड़ा है, मतलब रमेश सोल लेजर पार्ट देन सीमा, किससे ज़्यादा करता है, देन सीमा। तो ये सब हमने सिक्स क्लास में पढ़ लिया था ना कंपेरिजन, आपको याद है कि भूल गए? अरे सिक्स क्लास में हमने कंपेरिजन, चलो ईमानदारी से उई उई मत करो, आँख बंद करो ईमानदारी से फिर से, चलो ईमानदारी से आँख बंद करो, मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर पूरा मिटाऊंगा, आप चीट कर लेते हो, चलो आँख खोल लो, खोल ली कि बंद है, ठीक है। देखो आप ना शैतानी बहुत करते हो, अच्छे बच्चे ना, ये किसका माइक में प्रॉब्लम आ रहा है बताइए, उई उई कौन कर रहा है, हाँ किसको भेड़ बकरी चराने जाना है जो उई उई कर रहा है, अरे तेरे भाई कौन सा भाई है तेरा जो भेड़ बकरी चराने जाएगा, तेरा भाई है स्तुति, अरे वाह गाड़ी चला रहा है, एम्बुलेंस खेल रहा है, अरे वाह अच्छा चलो फिर तो खेल लें, उसको बोलो दूसरे कमरे में जाके बोल नहीं सर ना तेरे लिए भेड़ बकरी ला देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर थ्री निकालते हैं, ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर थ्री की सभी को दिख रहा होगा ना एग्जाम्पल नंबर थ्री, चलो तो ये देखो इसने क्या लिखा है कि सीमा परचेज, सीमा क्या परचेज कर रहा है, थ्री अपॉन हाफ के जी एप्पल एंड फोर थ्री अपॉन फोर के जी ऑरेंज। अब देखो व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट परचेज बायर, टोटल वेट निकालना है। अब आप बताइए क्या आप इनको ऐसे जोड़ सकते हो कैसे, नहीं सर ऐसे ऐसे जुड़ेंगे ना, ऐसे जुड़ेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हम इसको बना लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। स्तुति तू ना माइक ऑन मत करा, सच्ची में बंद रख तेरा माइक, तो इनको क्या बना लेते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं, तो थ्री वन अपॉन टू को इम्प्रॉपर बनाएंगे तो क्या आएगा बताइए, स्तुति माइक ओपन मत करना तू, बस थ्री अपॉन टू को इम्प्रॉपर बनाएंगे, तू नहीं बताएगा किसी और से पूछूंगा मैं, फोर सही थ्री अपॉन फोर को इम्प्रॉपर बनाएंगे तो क्या आएगा, अरे फोर फोर सिक्सटीन अपॉन फोर, सर हो गया इम्प्रॉपर बना लिया, जोड़ देते हैं, चलो जोड़ देते हैं, ओ मैं जोड़ने जा रहा हूँ सर, फोर नाइनटीन में सेवन जोड़ा तो सर आ गया 26, फोर में टू जोड़ा सर सिक्स आ गया, क्या सही है कि नहीं सर, अरे ऐसे नहीं जुड़ता है ये, याद रखना बिल्कुल ये कभी भी ऐसे नहीं जुड़ेगा सर,
पहले डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, सेम से मल्टीपल। हाँ पहले सेम करेंगे, तो ये 7/2 है तो इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमें 4 लाना है तो इसको 2 से मल्टीपल करेंगे। गलती से भी ऐसे मत जोड़ देना, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4। अब 14/4 में हम जोड़ेंगे 19/4, तो 14 में 19 जोड़ेंगे तो 33, और 4 में 4 जोड़ेंगे क्या? नहीं, अगर हमने डिनोमिनेटर सेम कर दिया है, अगर हमने डिनोमिनेटर सेम कर दिया है तो सिर्फ किसको जोड़ेंगे हम, न्यूमरेटर को। किसको जोड़ेंगे, न्यूमरेटर को, तो 4 का 4 ही लिखेंगे। अब चाहो तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हो, आता है ना इम्प्रॉपर को मिक्स में बनाना आप सब लोगों को। हाँ देखो बोलू क्या, इधर दिख रहा है 8 7/4 kg। तो इस तरह से आप इसको किस में बना सकते हो, मिक्स में बना सकते हो। चलो मैं दूसरा मिटा रहा हूँ आपके लिए। सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। बेटा थोड़ा नेटवर्क का एरर आता होगा, अभी क्लियर है मेरी आवाज, जल्दी बोलो। यस सर। गुड गुड, थोड़ा नेटवर्क आ रहा है। हाँ थोड़ा सा क्या होता होगा, नेटवर्क अटक जाता है ना इसलिए। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमन स्टडी 4 5/2 फॉर डेली। अब भाई सुन, देखो कितनी लेट ज्वाइन करते हो आप, आपको ना टाइमली ज्वाइन करना चाहिए, जो लेट ज्वाइन करते हैं उनको बाद में कुछ समझ नहीं आएगा। आज हमने कितना सारा यस वो मैं दूसरे मोबाइल से ज्वाइन कर रहा था, इस मोबाइल पे उसको नेटवर्क नहीं आ रहा है। ओके ठीक है, मतलब मैं कोई और सोच रहा था। तो सुमन स्टडी 4 5 सही 2/3 फॉर डेली। सुमन पढ़ती है 5 2/3 एंड सी डिवोटेड 2 4/5 हर फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स। साइंस और मैथमेटिक्स को इतने टाइम पर पढ़ती है वो, साइंस और मैथ्स को, तो बताइए हाउ मच टाइम डिवोटेड फॉर अदर सब्जेक्ट। तो देखो सुमन इतने घंटे पढ़ती है, उसमें से 2 4/5 घंटे वो सिर्फ साइंस और मैथ पढ़ती है, तो बताइए अदर सब्जेक्ट को कितना टाइम पड़ेगी। सिंपल है ना। हाँ बोलिए बेटा। 3 होल। गुड, पहले इसको क्या, पहले बना लेते हैं, पहले इसको ना प्रॉपर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, प्रॉपर या इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर बना लेते हैं। चलो बताइए 2 4/5 का इम्प्रॉपर क्या होगा। 14/5। गुड, इसको 14/5। हाँ 5 2/3 का इम्प्रॉपर क्या होगा, जल्दी 5 2 3 का इम्प्रॉपर। 17/3। अब हमें क्या करना है, जोड़ना है कि घटाना है, ये बताइए। घटाना है। गॉड, हमें इनका सब्सट्रैक्शन करना है, क्योंकि सीमा टोटल टाइम स्पेंड फॉर स्टडी 17/3, बट ही स्पेंड मैथमेटिक्स एंड साइंस 14/5, एंड वी नो हाउ मच टाइम फाइंड डज सी डिवोट्स फॉर अदर सब्जेक्ट। तो वी नो, हम इनको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तब जाके हमें इसका आंसर मिलेगा। अब बताइए ऐसे थोड़ी सब्सट्रैक्ट कर देंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अरे क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। हाँ, तो 17/3 को क्रॉस मल्टीपल करेंगे 5 के साथ, तो जो भी आएगा वो आप देख लेना। क्या देख लेना, इधर मैंने लिखा हुआ ए इरेज किया, आ गया ना तुरंत, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 आप सब लोग कर सकते हो, सॉल्व करना है, कर लोगे ना। अब बोलोगे सर ये 2 को साथ क्या करेंगे, इनके नीचे तो कुछ भी नहीं लिखा है। अरे कोई बात नहीं, नहीं लिखा तो हम लिख देंगे ना, हमें पेन दिया है भगवान ने, कॉफी दी है, तो हम इसके नीचे 1 लिख देंगे। सर 4 के नीचे कुछ नहीं, तो हम 1 लिख देंगे, डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। आगे और कुछ, सर इनके साथ क्या करेंगे, कोई बताएगा इसके साथ क्या करेंगे। 3 है तो डिनोमिनेटर कैसे सेम करेंगे, मुझे बताओ। एलसीएम लेंगे, ओ नेचर, एचसीएफ नहीं एलसीएम लेंगे। व्हाई, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, मैं आपको छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो मैं समझाता हूँ, मेरे पास 2 नंबर है 2 और 4, ऐसे ही ठीक है लिख दिया मैंने सिंपल। एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ।
HCF वो नंबर होता है जिसका डिवीजन इन दोनों में हो जाएगा, मतलब कौन सा नंबर, 2, तो 2 क्या होगा, HCF होगा जिसका डिवीजन इन दोनों में हो जाएगा। तो सर LCM क्या होता है, LCM वो नंबर होता है जिसमें इन दोनों का डिवीजन होता हो। देखो कितना अंतर है ना, यानी LCM तो कितना होगा 8 होगा, HCF कितना होगा 2 होगा। यानी सिंपल भाषा में अगर डेफिनेशन बोले तो HCF वो ग्रेटेस्ट नंबर होता है, वो सबसे बड़ा नंबर होता है नहीं वो सब 4 में 2 4 का भाग 2 में कहाँ जाएगा फिर, अगर मैं 4 ले लूँगा तो 4 का भाग 2 में कहाँ जाएगा, तो LCM 4 नहीं, LCM 4 लिखेंगे, रुको लेकिन मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, एक मिनट रुको ना। हाँ बिल्कुल LCM यहाँ पर 4 होगा, ठीक है 8 लिखो 4 लिखो, 8 भी लिख देता हूँ मैं, 16 भी लिख देता हूँ, एक मिनट समझाने के लिए लिखता हूँ, 4 भी लिख दिया 8 भी लिख दिया 16 भी लिख दिया, हाँ समझो, गुड वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका, भूषण, वेरी गुड शाबाश, इसीलिए तो लिखा था जानबूझ के 8 लिखा था, देखो आप कितना बताते हो। ठीक है एक मिनट यहाँ देखते हैं हम, HCF की बात करते हैं, तो HCF वो सबसे बड़ा नंबर होता है जिसका डिवीजन इन दोनों में हो जाएगा, इसका डिवीजन इन दोनों में हो जाता है वो सबसे बड़ा नंबर 2 होगा, लेकिन LCM वो सबसे छोटा नंबर होता है, तो 4 ही सबसे छोटा नंबर है। वैसे तो आप बोलोगे सर 8 में भी भाग जाता है, 16 में भी जाता है, 32 में भी जाता है, नहीं लेकिन सबसे स्मॉल नंबर लेना है, वेरी गुड भूषण, भूषण ने बोला सर 8 नहीं 4 होगा, यही तो आपको समझना है कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, तो हमको इनका LCM लेना पड़ेगा, यानी वो सबसे छोटे से छोटा नंबर निकालना पड़ेगा जिसका भाग, जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए, 10 का भी उसमें भाग चला जाए, यानी वो सबसे छोटा नंबर जिसमें 10 का भी भाग चला जाए, 5 का भी चला जाए, 2 का भी चला जाए। तो कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, बताया था ना। अब इसमें किसका भाग देंगे, 2 का दे लेते हैं, 2 5 10, सर 5 में नहीं जाता, लिख दो ऐसे, ऐसे नहीं जाता, तो 2 1 2, अब 5 का दे लेते हैं, 5 1 5 5 1 5 5 1 5, 5 2 10, यानी इनका LCM क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी अगर मैं इन सबको 10 बना दूं तो मेरा काम हो जाएगा ना, आप बना सकते हो ना अब तो 10, तो इस तरह से आपको इसमें कंफर्म करना है। तो ये एक्सरसाइज है आपके होमवर्क के लिए, मैं आपको आज इसका होमवर्क दे रहा हूँ, इसमें आप जितने पॉइंट कर सकते हो आप उसको करना है, इसका होमवर्क आप जितने भी आप इसके टॉपिक कर सकते हो आपको करना है, कल मैं इस एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो आज हमने क्या सीखा, मैं उसको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा फ्रैक्शन के बारे में कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, हमने इम्प्रॉपर को मिक्स बनाना सीखा, मिक्स को इम्प्रॉपर बनाना सीखा, कुछ फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने ढूंढना सीखा, हमने दो फ्रैक्शन को जोड़ना सीखा, दो फ्रैक्शन को हमने घटाना सीखा, हमने एक मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाना सीखा, दो फ्रैक्शन को कैसे जोड़ते हैं अगर उनके डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट हो, तो सबसे पहले हम उनके डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, सेम करेंगे। अगर दो फ्रैक्शन को हमें घटाना है तो उनके डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। हाँ ओके सर, वॉइस इज नॉट कमिंग क्लियर। ओके वॉइस नहीं आ रही, अभी आ रही है मेरी वॉइस क्लियर? यस सर। यस सर। ओके तो आज जो सीखा वही रिकॉल किया था मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब चीजें आपको करनी है, करोगे कि नहीं करोगे? तो कल मैं एक्सरसाइज 2.1 का होमवर्क आप सब लोगों के पास देखना चाहता हूं। हां यस सर, पूरी एक्सरसाइज करनी है 2.1, जितने आप कर सको उतने करने हैं, जो नहीं होगा उसको आपको छोड़ देना है, और जितने हो जाए फिर मैं आपका प्रेजेंटेशन चालू करवाऊंगा और देखूंगा कि किसने कितना होमवर्क किया है।